तो आपको पता ही होगा, मतलब पता तो क्या ही होगा, मैं बता देता हूँ। कुर्दिस्तान में इतना शेयर्ड, मतलब शेयर्ड टैक्सी का सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी सुलेमानी इरिबिल से, और मतलब ऐसे कोई बस वगैरह तो नहीं जाती पर शेयर्ड टैक्सी जाती हैं। तो ये मेरा होटल था। शेयर टैक्सी के लिए पहले आपको टैक्सी स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी। और कैसे कैसे लेनी है ना भाई, और जो एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप पंगे में ना पड़ जाओ, वो मैं वहीं जाके बताऊंगा। अभी यहाँ पे एक टैक्सी रुकवाते हैं, मैंने होटल वाले से कहा है टैक्सी रुकवा के कह दे कि मेरे को वहाँ छोड़ दे, तो वो कह देगा उसको। तो बस अभी रुकवाते हैं टैक्सी। Thank you. Excuse me, Suleiman? Yeah. This one? Yeah. How much time? There is four people. Four people. Until here. Okay. Yeah. When it fill, you go. Yeah. Okay. Now five. Five people. Yeah, you are five. तो अभी ये पहुंच गया हूँ मैं टैक्सी स्टैंड पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वैसी वाली कोरोला जो टैक्सी होती है, मतलब चार सीटर वाली, वो भी मिल जाएंगी। तो पहले वो दिला रहा था मेरा टैक्सी वाला, शायद उसको पता नहीं था कि टूरिस्ट क्या पता ये लेते हो। तो हाँ, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया कि इनसे आप ये ज़रूर पूछना कि किरकुक से जाओगे या नहीं, क्योंकि किरकुक है भाई इराक में, और अगर वहाँ से गए ये दिक्कत कुछ नहीं है, और अगर आपको पकड़ लिया तो आपको सीधी जेल होगी, क्योंकि आप यहाँ पे हो इलीगल वीज़ा पे इराक के हिसाब से। तो इनसे पूछना कि किरकुक से हमको नहीं जाना, ठीक है? तो एक बार मैं पूछता हूँ कि किरकुक से जाएंगे या नहीं, मैं पूछना भूल गया भाई, एक बार पूछ लेता हूँ। ऐसी बड़ी वाली टैक्सी है, पता नहीं किराया कितना भी दूंगा तो तब पता चल जाएगा कि कितना किराया है ना। किरकुक? नो किरकुक, दिस इज किरकुक। ओके, दिस डजंट गो टू किरकुक, राइट? नो नो नो, ओके, आई डोंट हैव इराक वीजा, सो थैंक यू। देखा भाई, ऐसे पूछना है आपको कि किरकुक से जाती है, यानी ये वाली किरकुक से जाती है, ठीक है? तो इराक के बंदे तो मतलब किरकुक से जा सकते हैं, पर जिसके पास कुर्दिस्तान का वीज़ा है सिर्फ, वो किरकुक से नहीं जा सकते। तो कहीं आप चले मत जाना मोसुल, किरकुक, बगदाद, नजफ, कराबला, ये सारी जगह जो है ना ये इराक में आती हैं, और आप इसमें सिर्फ, अबे यार कौन कर रहा हूँ, आप सिर्फ इराक के वीज़ा पे जा सकते हो। मैंने पूछा किरकुक जाती है, कहता नहीं जाती, बाजू वाली जाती है, इसमें जाना है तो जाओ। नहीं भाई, मेरे को नहीं जाना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं वैसे भी अरब लगता हूँ थोड़ा, और मतलब थोड़ा इन जैसी शक्ल है मेरी, तो मतलब टैक्सी रुकवाएंगे तो नहीं कि भाई चेक कराओ, पर बाय चांस कुछ हो गया तो वो सहना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने सुना था कि कई लोग बगदाद से, मतलब जब यहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो कई लोगों ने कुर्दिस्तान से बगदाद से फ़्लाइट ली थी, और उन लोगों को $500 का फ़ाइन लगाया था। भाई $500 की कोई बात नहीं है, अगर मेरे को पकड़ ले मैं $500 देने को तैयार हूँ, पर भाई अगर जेल हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो एडवेंचर, मैंने इंस्टा स्टोरी पर भी कहा था, एडवेंचर उतना ही करना जितना आप सह सको। अभी सुलेमानी सुलेमानी चिल्ला रहे हैं कि सुलेमानी चलना है तो बताओ। तो यहाँ से जाने में लगेंगे अराउंड 4 घंटे। नॉर्मल अगर आपकी खुद की कार है, नॉन स्टॉप जाते हो, तो 3 घंटे लगते हैं। ये शेयर टैक्सी है, थोड़ी स्पीड कम चलेगी, रुक रुक के चलेगी, तो अराउंड 4 से 4.5 घंटे।
वाटर वाटर आओ Yeah. What's your camera? Yeah, this is my camera. No, it's like it was enough for you. Alaga, you know? Sorry? Alaga. No polythene, no. No, please. So yahan pe kuch khareed liya bhai, ek Pepsi aur ek juice ki bottle. Kurdi na nani? Sorry? Kurdi? No, Hindustan. Hindi? Yeah. Ramesh Hindi. Aha, Shikil Hindi. You know Raju? Ah, Raju. Raju Salman Khan. Ha. Ah. Okay, thank you. Thank you very much. Hello. Taxi ki price hai shared taxi ki 10,000 dinar. और यहाँ तक मैं आया टैक्सी में अपने होटल से, उसकी प्राइस थी 4,000 दिनार, तो लगभग 14,000 दिनार में आप इरबिल से सुलेमानिया पहुँच जाओगे। मैंने 50,000 का नोट दिया, उन्होंने 4,000 उल्टे दिए, फिर वो समझाने लग गए कि एक ही बंदे हो ना। मैं कहा हाँ भाई एक ही हूँ, तो कहते कि 50,000 का तुमने दिया, हमने 40 उल्टे दिए तो 10,000 की टिकट है। मैं कहा हाँ भाई समझ गया मैं। बड़े अच्छे लोग हैं यार। एक टैक्सी वाले ने भी मेरे को आज तक चीट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कम से कम 6 से 7 टैक्सी में ले चुका हूँ, एक ने भी मतलब मेरे को प्राइस ज़्यादा तो कोट किया ही नहीं भाई किसी बंदे ने, और चीटिंग तो करने की कोशिश करी ही नहीं भाई यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं, तो इनको चीटिंग अभी करनी आती ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, ऐसा ही रहना चाहिए मैं तो कहूँ, जब टूरिस्ट आए भी। पर देखते हैं, टूरिस्ट पैसों के साथ लोग भी बदल जाते हैं। पर मे बी कभी 10 साल बाद जब यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आने लगे, दोबारा आके देखूंगा मैं कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है। पर अभी लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं भाई। वो भी एक ढाबे पे रुके हैं, मतलब जैसे इंडिया में होता है, पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर मैं यहाँ पे कुछ खा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ ना सुलेमानी, जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर खाना ही खाना मिलेगा। मे बी आपको किसी और वीडियो में देखने को मिलेगा वो। पर नज़ारे अच्छे हैं, वेदर अच्छा हो रहा है, मतलब जर्नी भी कंफर्टेबल है, पहाड़ों के बीच में से है, तो टाइम पास आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ ये ढाबा है, और जो चाहे मन करे खा सकते हो। और ऐसा कुछ चारों तरफ नज़ारे हैं। तो अभी मैं पहुंच गया था सुलेमानिया, और शेयर टैक्सी से वो अपने दूसरी वीडियो में देख डालूंगा मैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाऊंगा मैं। तो अभी सो आई एम विद हालात, ही इज़ ऑल्सो होस्टिंग मी एट हिज हाउस टुडे। तो अभी हम जा रहे हैं भाई इंडियन स्ट्रीट फूड पे, मतलब यहाँ पे हर फ्राइडे, दिस इज एवरी फ्राइडे दे कम। या एवरी फ्राइडे। व्हाट टाइम? At 2 started and at 6 or 5 it will end. ओके, तो मतलब एक सड़क है जहाँ पे मतलब जितने भी इंडियन परिवार वगैरह यहाँ पे रहते हैं, तो मतलब वो अपने स्ट्रीट फूड लगाते हैं, इंडिया के स्ट्रीट फूड, और मतलब वहाँ पे आप जाके खा सकते हो। हर फ्राइडे होता है ये, इसी के लिए मैं आया हूँ सुलेमानिया। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया अभी, 2 बजे से 5 बजे तक होता है। एंड हैव यू हैड दैट फूड एट दैट स्ट्रीट बिफोर? या आई ट्राइड। डिड यू लाइक इट? या आई लाइक इट, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ द फूड, बट इट्स नाइस फूड। एंड डू पीपल देयर स्पीक कुर्दिश? लिटिल, दे कैन स्पीक कुर्दिश, यस। ओके, बट इंग्लिश? या या, दे कैन स्पीक। डू यू नो हाउ दिस स्टार्टेड? यस, the first time they made it for themselves, and after a lot of Kurdish people go take it and they want, did you sell this thing? They said yes, and after they started like this. The first thing they made it for themselves. Okay. The Indian and Bangladeshi people. Okay. तो इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली पीपल मतलब पहले यहाँ पे खुद के लिए खाना बनाते थे, फिर उन्होंने क्या करा भाई कि कुर्दिश बंदे गए वहाँ पे, मतलब ऐसे जा रहे होंगे कि भाई तुम बेचते हो इसको, तो इंडिया वाले होते तो बिजनेस में तेज़ी हैं, तो कहते हैं हाँ भाई बेचते हैं हम। तो उन्होंने क्या करा, पूरे मतलब जितने भी परिवार आते हैं अपने, वो मतलब स्ट्रीट फूड लगाना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं जा रहा हूँ अभी। हाउ फार इज़ इट? 4-5 मिनट। तो 4-5 मिनट पहुँच जाएंगे, और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, मतलब किससे पूछते भी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या और क्या रेट में देते हैं लोग, और कैसा है, मतलब कि इंडिया जैसा है या फिर थोड़ा अलग है। तो वहीं पे जाके बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे मिल रहे हैं समोसे। ये क्या है?
अच्छा इसकी सॉस है, वैसे इंडिया वाली नहीं है क्या? ये तो थोड़ी अलग लग रही है। ये भी तीखा है। अच्छा अच्छा लाओ दे दो फिर, कोई नहीं इसी में डाल दो। हाँ इट्स लाइक ऑफ अ सॉस। ओके इफ यू वांट व्हाट इज सॉरी व्हाट इज दैट बेसिकली इराक में भाई समोसा खा रहा हूँ, और मतलब थोड़ी चटनी इंडिया से थोड़ी अलग है। भाई साहब और दो तो जूनी बोल दिया जी, क्या रसगुल्ला? हां रसगुल्ला You had tried this? I didn't try it before. Anubhav nahi kala. It's very sweet. Oh, I don't like it very sweet. Like we can take half off. Yeah. Kitne kahiye? 500. Yahan pe aap kab se ho matlab? Kab se kar ho raha hai hum? Main to abhi 4 saal se kar raha hu. ये हालात को इतना पसंद आया कि ने एक और ले लिया। Did you like it so much? Yeah. Did you like this sauce? Yeah, this sauce is very nice. Very delicious. Yeah. Is there any Indian restaurant in here? India? Indian restaurant? Yeah, there is one there. Okay. Maybe at night we can. We can go there. क्या? हाँ एक प्लेट बना दो। कितने का है? 5,000 का है। चिकन में मदन में सादा नहीं, चिकन में बना दो। So what's in it? It's like vegetables, noodles. Vegetable with noodles with chicken and with some spices. यहाँ पे आप चाउमीन खा सकते हो, समोसे, मतलब फास्ट फूड टाइप। मेरे को लगा था कि सब्जी वगैरह मिलेंगी, पर यहाँ पे फास्ट फूड टाइप है। आज लोग कम आए हैं क्या? तो यहाँ पे आज लोग कम आए क्योंकि बारिश हो रही है, ऊपर बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे। Will you try this? Yeah, I will try this also. I would like to try a lot of the different things. ये बन गए भाई चाउमीन। तो ये मेरे को अपने इंडियन बांग्लादेशी भाई मिले हैं यहाँ पे, और मतलब इन देखो सबके मतलब दिमाग में होता है इराक बहुत अनसेफ है, टेररिस्ट है यहाँ पे। तो ये 2011 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको कभी मतलब यहाँ पे अनसेफ फील हुआ है? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2011 से यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं, टेररिस्ट वगैरह पहले से नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब ISIS के टाइम पे भी आप यहीं थे? हाँ मैं तब भी यहीं था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर इंडिया के बहुत लोग हैं, कंपनी वर्क है, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ जगह है। और मतलब यहाँ पे मतलब लोग मतलब इंडियन को कैसा ट्रीट करते हैं? इंडिया के लिए बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये नहीं समझते कि इंडिया आर्मी है या कुर्दी है या हिंदू मुस्लिम है, ऐसा कोई अच्छा। नहीं है, ये सबको एक जैसा ही मानते हैं। और यहाँ पे वो मूवी बहुत फेमस है। हाँ, अच्छे को इंडियन मूवी बहुत फेमस है। नहीं, वो हो गया सबसे फेमस वो राजू है ना, राजू श्रीवास्तव। नहीं नहीं नहीं, वो फिर हेरा फेरी का जो फिर हेरा फेरी देखी आपने? हाँ, देखी उसकी। हाँ, और उसकी। हाँ अक्षय कुमार की, वो राजू बड़ा फेमस है यहाँ पे, आपने देखा कभी? मतलब लोग यहाँ पे जानते हैं उसको बहुत। ना ये तो मूवी हिंदी टोटल देखते हैं, देखते हैं। तो डब है ना। अच्छा अच्छा, जितनी है हिंदी सब डबों को चलती है। सिनेमा है यहाँ पे? सिनेमा थे पहले, अब बंद कर दिए। मतलब पूरे कुर्दिस्तान में बंद है अभी सिनेमा? अच्छा, क्यों बंद क्यों कर दिया? मतलब कभी भी आपको मतलब टूरिस्ट को ओवर चार्ज नहीं करेंगे? किसी कोई भी कहीं का भी टूरिस्ट आए, कोई ओवर चार्ज नहीं है, जितने रिजनेबल पर आए हैं वही आपको मिलेंगे। अच्छा अच्छा, और आपका नाम पूछा? मेरा नाम सरवन सिंह। सरवन सिंह कहाँ से आप? मैं इंडिया से हूँ। पंजाब से? उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में कहाँ से? यूपी में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। बिजनौर से, ठीक है। मैं मुजफ्फरनगर में पढ़ता हूँ, मतलब मैं। हाँ तो मैं समझ गया, मैं मुजफ्फरनगर से। ये हमारे एक और भाई बांग्लादेश से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्राहिम। अब्राहिम बांग्लादेश में कहाँ से? बांग्लादेश से, ढाका मुंशीगंज। ढाका से आप? अच्छा, यहाँ पे आप बता दो आपको कभी कुछ मतलब यहाँ पे अनसेफ फील हुआ हो कुर्दिस्तान में? इधर में और कोई मुश्किल नहीं है, इधर अच्छा। थोड़ा तेज बोलो। हेलो
इधर से खूब अच्छा चल रहा है, मुश्किल है कंपनी से, मुश्किल है। अच्छा, पोषा कब से यहाँ पे? 2011 में इनके साथ आए थे क्या? वो मेरा दो महीना पहले आया। अच्छा अच्छा, तब से मतलब यहाँ पे मस्त चल रहा है सब कुछ, कोई मुश्किल नहीं है। वापस जाने का प्लान है कभी? अभी जाएगा, अभी तो पूरा मुश्किल है इसलिए। अच्छा, हर साल वैसे जाते हो? क्या 11 साल में आया, 10 से कभी नहीं गया। कभी नहीं गए? क्यों? जाए नहीं यार, पूरा मुश्किल है घर में। अच्छा अच्छा, पूरा खलास नहीं है इसलिए। अभी सब कुछ ठीक है, शादी जाएगा। बढ़िया बढ़िया, शादी कर ले। चलो भाई, ये हमारे साथ थे भाई अपने इंडिया से, ये बांग्लादेश से, और मतलब बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके मेरे को। और ये मेरी वीडियो भी देखते हैं मतलब कभी कभार में। ये थी इंडियन स्ट्रीट फूड मार्केट, और अब शाम को मे भी इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे कोई? नहीं, कोई देखा नहीं आपने? आप तो घर पे बना लेते हो ना खाना? मतलब सामान वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे? हाँ, इंडिया सब कुछ मार्केट में, इंडिया की दुकान है। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिल जाता है। चलो भाई, ये दिखाना था मेरे को आपको, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।